आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ड्रम मोटर के बारे में। आखिर ड्रम मोटर क्या है, किस तरह से वर्क में आता है और किन किन जगहों में जो है इसके एप्लीकेशंस हैं। तो गाइज़ ये वीडियो जो है मेरे 90% सब्सक्राइबर्स के लिए जो है नए वीडियो हो सकता है। तो प्लीज़ गाइज ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको इसके बारे में एक स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड खास करके मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर डाउट रह गया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर ड्रम मोटर देखे होंगे कभी भी या फिर अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, इसी को ड्रम मोटर कहा जाता है। अब आप बोलोगे ये तो एक सिलेंड्रिकल शेप का है, तो मोटर कहाँ हुआ, इसका स्टार्टर कहाँ है, इसका रोटर क्या है। तो गाइस ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसके अंदर हमारा जो है एक मोटर लगाया गया है और उस मोटर का जो हमारा रोटर का जो शाफ्ट निकला हुआ रहता है उस शाफ्ट के थ्रू जो है मैकेनिकल के गियर बॉक्स कनेक्ट होते हैं उसके साथ और उसके बाद हमारे ये ड्रम जो है पूरा ऊपर से जो है कवर कर दिया जाता है, यानी कि सिलेंड्रिकल एक ड्रम का जैसा। अब हमारा रोटर जब घूमना स्टार्ट होता है तो ये जो है डायरेक्ट ड्रम हमारा घूमता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा ड्रम मोटर है बेसिकली अल्ट्रा हाइजेनिक, स्पेस सेविंग और एनर्जी इफिशियंट है। अब गाइज मैंने आपको यहाँ पर तीन वर्ड्स बोले हैं। सबसे पहला जो अल्ट्रा हाइजेनिक का मतलब इसका जो बनावट है, इसमें जो मैकेनिकल के गियर बॉक्स लगे हुए हैं इतने कम स्पेस में इतने अच्छे तरीके से जो एप्लीकेशन पे आता है इसलिए जो है अल्ट्रा हाइजेनिक कहा गया है। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो है स्पेस सेविंग, यानी कि जैसे कि आप इंडस्ट्रीज में देखोगे जो भी मोटर्स लगता है, अगर कोई बेल्ट कन्वेयर के लिए मोटर लग रहा है तो उसमें जो है मोटर अलग से बाहर की तरफ लगाया जाता है, उसके साथ मैकेनिकल के गियर बॉक्स को कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है हमारा बेल्ट कन्वेयर रन होता है। लेकिन ये जो ड्रम मोटर है इसमें ना ही बाहर मोटर लगता है ना ही गियर बॉक्स लगता है, ये सारा पूरा ये ड्रम मोटर के अंदर में ही होते हैं और हमारा ड्रम मोटर जो है रन कर। तीसरा जो मैंने बताया वो है एनर्जी इफिशियंट, यानी कि ये मोटर बहुत कम जो है पावर को यानी कि एनर्जी को कंज्यूम करता है और अच्छा एक आउटपुट जो है हमें एक लॉन्ग टाइम तक मिलता है। तो गाइस जिस जगह में स्पेस का कमी होता है उस जगह में ये ड्रम मोटर का यूज़ किया जाता है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। आपने रेलवे स्टेशंस पे या फिर एयरपोर्ट्स पे जब गए होंगे तो उस जगह में जो है बैग स्कैनर का रहता है, आप जो है बैग एक तरफ रख दिए, आपका बैग अंदर जाता है, स्कैन होकर निकलता है, तो उसमें जो बेल्ट कन्वेयर का यूज़ किया जाता है उस बेल्ट कन्वेयर पे जो है ये ड्रम मोटर का यूज़ किया जाता है। वो बेल्ट कन्वेयर के अगल बगल कभी भी आपको देखने को नहीं मिला कि एक इतना बड़ा सा मोटर है उसके साथ एक गियर बॉक्स लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता है और उस जगह में स्पेस बहुत कम रहता है और उसी स्पेस में जो है काम करना रहता है, इसलिए उस जगह में ड्रम मोटर का यूज किया जाता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल पर्पस से मैं अगर बात करूं ड्रम मोटर का यूज कहां कहां किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ड्रम मोटर का यूज जो है ट्रक लोडर के लिए किया गया है। ट्रक लोडर में भी ड्रम मोटर का यूज किया गया है। ये ट्रक लोडर हमारे पूरा ट्रक के अंदर चला जाता है तो उस जगह में स्पेस का बहुत कमी होता है, क्योंकि तरह तरह के बेल्ट कन्वेयर में ये ड्रम मोटर का यूज़ आज के टाइम में किया जा रहा है। गाइस मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बोल देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला एडवांटेजेस है इसका स्पेस सेविंग, यानी कि बहुत कम प्लेस में ये जो है बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। दूसरा, एनर्जी इफिशियंट, यानी कि पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। तीसरा, अल्ट्रा हाइजेनिक, यानी कि इसका जो बनावट जिस तरह से किया गया है ना, मैकेनिकल के गियर बॉक्स के साथ जिस तरह से कपलिंग किया गया है अंदर में, इसके बनावट के चलते जो है इसे अल्ट्रा हाइजेनिक नाम दिया गया है। तो गाइज मैंने अभी आपको जो बताया ये है हमारे ड्रम मोटर से रिलेटेड। तो गाइज अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपके तक बहुत आसानी पहुंच जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।